हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताज़ा टेक की खबरें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है आपको आज की खबरें अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले और कहीं ना कहीं और लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, क्योंकि आज की खबरें बहुत ही मसालेदार तो हैं ही, कुछ ऐसा फैक्ट भी है टेक ऑफ द डे में जो आप सुन के चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी के पहली खबर के बारे में बात करते हैं। और पहली खबर आ रही है आईफोन 13 के बारे में। जी हाँ, एप्पल का एक इवेंट आने वाला है, उसके बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन आईफोन 13 के लीक्ड रेंडर्स आ गए। उसके अंदर देखा गया है कि आईफोन 13 के अंदर जो कैमरा अरेंजमेंट है वो थोड़ा अलग तरह का है, जो कि अभी करंटली आईफोन 12 से मैच नहीं होता है। अब ऐसा क्यों किया है एप्पल ने? हालांकि दो ही कैमराज मिलेंगे आपको आईफोन 13 में, लेकिन एक तरह से कैमरा अरेंजमेंट को शायद शिफ्ट करने का रीजन हो सकता है कि छोटा नॉच मिलने वाला है आपको आईफोन 13 में। तो वो नॉच की वजह से शायद हो सकता है कि कैमरा थोड़ा इधर उधर करने पड़े हैं। अदरवाइज स्पेसिफिकेशन डिवाइस की जो है डायमेंशन जो है बिल्कुल वैसी हैं जैसी आईफोन 12 की हैं, तो ज़्यादा फर्क वहाँ पे नहीं है, लेकिन कैमरा अरेंजमेंट चेंज हुआ है। हो सकता है उससे कोई नया फीचर भी दे एप्पल, यू नेवर नो। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर जो कि इसी से रिलेटेड है, आईफोन 13 प्रो के बारे में। अब आईफोन 13 प्रो के रेंडर्स भी आ गए हैं। 91 मोबाइल्स पे यहाँ पे खबर छपी है कि किस तरह से नॉच जो है छोटी होने वाली है। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि थोड़ी छोटी नॉच आपको देखने को मिलेगी आईफोन 13 प्रो में, और नॉच के अंदर ही आपका कैमरा रहेगा, ऊपर ईयरपीस की तरफ कैमरा नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। जो फ्रंट कैमरा है वो वैसा ही रहेगा। साथ ही साथ इसका जो कैमरा अरेंजमेंट है वो तो वैसा ही है जैसा पहले था, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा और छोटी नॉच मिलेगी आपको आईफोन 13 में। हालांकि आईफोन 13 के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है कि क्या कुछ होने वाला है, तो आप हमारा वीडियो मिस मत करना। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा यहाँ पे, और आप जाके उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन है आईफोन 13 के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं एप्पल की एक और खबर। अभी आज एप्पल की बहुत सारी खबरें, तो एक और खबर लेटेस्ट जो है एप्पल की वो कुछ इस तरह से है कि 20 तारीख को यानी कि 20 अप्रैल को एप्पल का लॉन्च इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर आपको नया आईपैड प्रो मिलेगा, नया वाला आईमैक मिलेगा, और एप्पल खुद इसके बारे में अब पोस्ट कर चुके हैं। एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स और बाकी सब लोग भी धीरे धीरे इसके बारे में बोल रहे हैं। तो 20 तारीख को ये इवेंट होगा। 20 तारीख समझ लीजिए कि भाई यहाँ इंडिया में रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, और उसके अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया आईडी पे आपको मिल जाएंगे, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां पे दे दूंगा। अगर आप आईपैड प्रो से लेने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाओ, क्योंकि नया वाला आईपैड प्रो बहुत कमाल का होने वाला है। उसमें आपको मिनी एलईडी डिस्प्ले, कुछ वैसा डिस्प्ले जैसा बड़े आईमैक में मिलता है, वैसा डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। साथ साथ बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला फ़ोन, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा वाला फ़ोन जो है लॉन्च हो गया है, और ये डिवाइस हो सकता है कि इंडिया भी आ जाए। ये डिवाइस फ़िलहाल तो अभी साउथ कोरिया में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वही फ़ोन है जो मतलब हमारा यहाँ पे सैमसंग का A52 है ना, उसी का बेसिकली एक तरह से दूसरा नाम है वहाँ पे, तो शायद दूसरे नाम से उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया है। और इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, बाकी इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन वगैरह है। तो देखा जाए तो सैमसंग साउथ कोरिया में भी कुछ कुछ लॉन्च करता है, लेकिन शायद ये डिवाइस यहाँ आए, इस नाम से तो आएगा नहीं, अगर आता भी है तब भी। अब बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के मोस्ट पावरफुल गैलेक्सी, जो कि टीज हुआ है 28 अप्रैल को अनपैक्ड इवेंट पे ये फ़ोन आने वाला है। तो ये मोस्ट पावरफुल गैलेक्सी यानी कि मोस्ट पावरफुल फ़ोन इन द गैलेक्सी सीरीज कहा जा रहा है। तो गैलेक्सी का अनपैक्ड इवेंट होगा 28 अप्रैल को, ऐसा यहाँ पे सैमसंग ने कहा है, और लीक सजेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा डिवाइस हो सकता है जो कि काफ़ी पावरफुल तो होगा, साथ ही साथ ये एक डुअल हिंज वाला स्मार्टफोन हो सकता है। अब डुअल हिंज वाला स्मार्टफोन मतलब दो जगह से फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन सैमसंग का आ सकता है 28 अप्रैल को, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर, और ये है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के लैपटॉप भी आते हैं। क्या आपको पता है कि सैमसंग के लैपटॉप किस नाम से आते हैं? सैमसंग के नए लैपटॉप जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे देखे गए हैं, जो कि सैमसंग गैलेक्सी बुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी बुक
प्रो 360 डिग्री लाइव इमेजेस जो है यहाँ पे लीक हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बुक प्रो 360 करके दो लैपटॉप जो है सैमसंग के साउथ कोरिया में देखे गए हैं। अब ये लैपटॉप यहाँ आएंगे भी तो क्या आप उनको लोगे? मुझे लगता है कि अगर लैपटॉप लेने वाली बात आती है तो लोग सैमसंग वगैरह को तो सोचते भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आता है, अगर ये लैपटॉप यहाँ आते हैं तो क्या आप इनको कंसिडर करोगे मैकबुक प्रो छोड़ के? शायद कोई भी नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर द मैकबुक प्रो। दोस्तों अगली खबर आ रही है पोको की तरफ से। पोको के इंडिया हेड जो कि अनु शर्मा जी हैं, यहां पे इन्होंने ट्वीट का रिप्लाई किया है एक कंज्यूमर का, जिन्होंने पोको F3 प्रो के बारे में एक तरह से पूछा। तो पोको के F सीरीज फोन नया आने वाला है, इस पर काम चल रहा है, ये उन्होंने कन्फर्म कर दिया। लेकिन ये भी उन्होंने साथ में कहा कि भाई इट इज going to be a higher priced phone, यानी कि आप 20,000 के ऊपर या फिर 25,000 तक इस फोन को एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि पोको F3 is going to be a costly phone। उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 870 मिलेगा जो कि कॉस्टली है, एंड आई थिंक वो डिवाइस तकरीबन 30,000 का मिनिमम आएगा। तो ऐसे में 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है अगर आप पोको X3 Pro को कंपेयर करोगे पोको F3 से जो कि आने वाला है। तो ऐसे में पोको F3 का हम सब लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस प्राइस पॉइंट तक आप जाओगे पोको F3 के लिए अगर वो आता है? क्योंकि यहाँ पे आईकू की तरफ से आईकू नियो 5 भी आने वाला है जो कि कंपीट करेगा पोको F3 के साथ। दोस्तों फेसबुक ने अनाउंस कर दी है अपनी एक सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर एक डेटिंग ऐप जो कि वीडियो डेटिंग ऐप है जिसके अंदर आप डेटिंग कर सकते हैं। इसका नाम है स्पार्क ऐप। ये फ्री टू यूज़ ऐप है, यानी कि इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, और ये कह रहे हैं कि यू कैन मीट विद काइंड पीपल ओवर देयर। अब इसमें क्या होगा, वीडियो डेटिंग होगा और पहली वीडियो डेट आपकी 4 मिनट की होगी अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके अंदर, तो उसके बाद अगले 10 मिनट की एक और वीडियो डेट आप कर सकते हैं जिसके अंदर आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। तो डेटिंग की दुनिया में फेसबुक आना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा क्लीन तरीके से, ताकि वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाए। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इट इज़ नो पब्लिक प्रोफाइल, नो स्वाइपिंग, नो एंडलेस DMs एंड फ्री टू यूज ऐप होगी। तो ऐसे में कुछ अलग कर रहा है फेसबुक, मे बी इन केस यू वुड लाइक टू ट्राई यू कैन। दोस्तों माधव सेठ जी ने यहाँ पे ट्वीट कर दिया है कि उनका जो नया रियलमी का फोन आएगा उसमें पहला MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर होगा, यानी कि वो पहला फ़ोन होगा इस हार्डवेयर के साथ जो कि एक 5G चिपसेट है। तो ये इनके अपकमिंग फ़ोन में आने वाला है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि Realme 8 5G वर्जन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर मिलेगा। अब ये सब सुन के आपको कैसा लगा? क्या 5G फ़ोन के लिए आपको एक्चुअली में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से कुछ मतलब नहीं बनता है। अगर आपको 4G फ़ोन अच्छा मिल रहा है जैसे Redmi Note 10 सीरीज, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। Realme का जो 8 है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं रहा है, 4G वर्जन तो अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें पुराने प्रोसेसर आए हैं। तो ऐसे में Realme 8 5G अगर आपको महंगा मिले तो मेरे हिसाब से तो कंसिडर करना नहीं बनता है, अगर सस्ता मिले तो आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो। और बाकी परफॉर्मेंस और कंपैरिजन हम करेंगे तो आपको और बताएंगे इसके बारे में। दोस्तों लास्ट खबर है आज मी टीवी के बारे में। जी हाँ, मी टीवी आने वाला है 65 इंच का अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था। अब 75 इंच का मी टीवी जो है आने वाला है, और 23 अप्रैल इन्होंने बोल दिया है कि लॉन्च डेट है फॉर मी टीवी जो कि 75 इंच का होगा। अब सोचो टीवी इतना बड़ा बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल आपके बेडरूम के अंदर या फिर आपके लिविंग रूम में आ चुका है इन टीवीज़ की वजह से। 65 इंच के टीवी का हमने रिव्यू किया था, अगर आप चाहें तो जाके आप देख सकते हैं। 75 इंच का भी करेंगे, लेकिन टीवी का ज़्यादा ही बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे पसंद है 100 इंच का टीवी होगा तो मुझे लगेगा कि चलो भाई अब घर में सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस है। पता नहीं 75 इंच में उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन काफ़ी बड़ा टीवी होता है, पता है देखने के लिए ऐसा लगता है थोड़ा दूर जाके देखो, इतना बड़ा टीवी होता है। इवन 65 इंच में ऐसा फील होता है, तो 75 में तो और भी ज़्यादा होगा। दोस्तों अब समय आ गया है टेक ऑफ द डे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने का। क्या आपको पता है कि सैमसंग जैसी एक बड़ी कंपनी जो कि एप्पल के लेवल की कंपनी है, उसका जापान में मार्केट शेयर कितना है? सिर्फ 6%।
अब ये इतना कम मार्केट शेयर इतनी बड़ी कंपनी का कैसे है, जबकि एप्पल का मार्केट शेयर 65% से भी ज़्यादा है जापान में, यानी कि सब लोग एप्पल आईफोन खरीदते हैं। अब ऐसा होता है कि भाई एप्पल आईफोन लोग खरीदते हैं, लेकिन सैमसंग के फ़ोन भी काफ़ी बिकते हैं इंडिया में और बाकी और जगहों पर सैमसंग का मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये कम मार्केट शेयर होने का रीज़न ये है कि सैमसंग ने एक समय में पुराने सालों में कुछ छेड़छाड़ की थी अपने फ़ोन की ब्रांडिंग के साथ, कहीं ना कहीं जापनीज कल्चर को अप्रिशिएट नहीं किया था, जिसकी वजह से जापान में लोग सैमसंग को हेट करते हैं, कहीं ना कहीं सैमसंग के फोन्स को वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाकी और जापानीज कंपनीज जैसे सोनी वगैरह कुछ वैसे ही फोन बनाते हैं। और ऐसे में सैमसंग अपने स्टोर में, जो कि टोक्यो में उनका बड़ा स्टोर है, वहां पे भी अपना लोगो यूज नहीं करता है अपने फोन्स के ऊपर। जापान के अंदर सैमसंग अपना लोगो नहीं लगाता है, बॉक्स पे भी लोगो नहीं होता है, इसी वजह से, क्योंकि जापानीज लोगों को सैमसंग पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनके कल्चर को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। क्या आपको पता थी ये बात? अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो पहली टिप है कि कैसे आप सारे मैसेजेस जो कि आपके आईफोन के अंदर आते हैं, उसमें रेड आ जाता है नोटिफिकेशन कि भाई इतने सारे मैसेजेस अनरीड हैं, और बहुत सारे मैसेजेस आप खोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्पैम मैसेजेस होते हैं, ओटीपी वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो उस केस में आप सारी मैसेजेस को कैसे रीड कर सकते हैं, उसकी ट्रिक हमने आपको बताई है, और वो बहुत ही आसान तरीका है, आप जाके पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और रुकिए, अगली टिप भी सुन के जाइए। अगली टिप है कि कैसे आप इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस का, जो कि आपके फोन पे ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, आपका मोबाइल डेटा खत्म कर दे रही हैं। तो दो तरीके हैं कि कैसे आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड डेटा एक्सेस रोक सकते हैं, या फिर पूरी तरह से इंटरनेट काट सकते हैं सिर्फ उन ऐप्स के लिए, और बाकी ऐप्स नॉर्मल तरीके से चलती रहेंगी। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ दोस्तों अमेजिंग टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ GTU टेक हंट अगर आपको कहीं मिला है तो उसको कमेंट में लिखिए और अपना सोशल मीडिया ID मेंशन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस वीडियो को देखने का। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।